शेख, मेरा सवाल ये है कि जब अजान होती है, जो मौजिन अजान देते हैं, तो वो तो जुमले हमको दोहराने हैं, लेकिन इनकेस जो मोबाइल में अजान होती है, तो इसको भी दोहराना चाहिए कि नहीं, ये जरा वजाहत कर दीजिए। जी शेख सर, क्या कहा बहन ने? सिस्टर कह रही हैं कि बाहर, घर के बाहर जब मस्जिद की अजान होती है तो अजान का जवाब दिया जाता है, तो क्या मोबाइल में भी अजान हो तो जवाब देना चाहिए या नहीं? देखिए, आप हदीस पर गौर करेंगी, जो हदीस है तो आपको इसका जवाब उसी हदीस के अंदर मिल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कूलू मिसलमा यकूलुल मुअज्जिन, या इस तरह के अल्फाज हैं हदीस के, कि जिस जी तरह से मुअज्जिन कह रहा है उसी तरह से कहो। आपके मोबाइल में जब अजान हो रही होती है, तो क्या वो मुअज्जिन कह रहा होता है कि आपका मोबाइल? मुअज्जिन तो नहीं है, क्योंकि देखिए, जी अजान अजान एक इबादत है, उस इबादत के लिए इरादा और नीयत का होना जरूरी है। क्या मोबाइल के अंदर नीयत मौजूद है? नहीं। जी इबादत कोई इंसान करेगा, कोई मुसलमान करेगा, इंसान करेगा इरादे और नीयत के साथ, और ये तो रिकॉर्डेड है। कोई मुअज्जिन अजान नहीं दे रहा है, वो रिकॉर्ड की हुई है आवाज। लिहाजा मोबाइल में जो अजान हम सुनते हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर मान लीजिए आपके घर में टेलीविजन है और कहीं से लाइव अजान ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइव, तो आप जी जवाब दे सकते, तो आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि लाइव हो रहा है, आप लाइव सुन रहे हैं, और जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो इसी वक्त अजान दे रहा है, वो मुअज्जिन की आवाज आप सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड कोई चीज नहीं है। तो अगर लाइव सुन रहे हैं तो अजान का जवाब देंगे, अगर रिकॉर्डेड सुन रहे हैं तो अजान का जवाब नहीं देंगे।